उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे उसको इंट्यूबेट किया जाए, कैसे उसको कितना से कितना पेशेंट को बेनिफिट हो सके, वो सीख रहे हैं। सीखने के बाद उसको ऑपरेट करेंगे हॉस्पिटल्स में, तो वो उससे काफ़ी बेनिफिट है। जैसे दूसरे हैं डिफ़िकल्ट एयरवे का, किस तरह से एयरवे जो होता है गर्दन शॉर्ट होने के वजह से या फिर ज़्यादा मोटापा ओबेसिटी की वजह से ये ट्यूब डालना मुश्किल हो जाता है गले के अंदर। जब भी सांस लेने में परेशानी हो तो गले के अंदर ट्यूब डालते हैं, तो उसको सीखने का मौका मिला। CPR एक सबसे बड़ा हमारा आज के जनरेशन में इंडिया में लैक कर रहा है। हर एक सोसाइटी के लोग को सीखना चाहिए CPR कैसे दिया जाता है। स्कूल हो, टीचर हो, या फिर पुलिस वाले हो, या फिर डॉक्टर हो, सबको CPR आना चाहिए। इन एंड आउट हॉस्पिटल के ये CPR देना चाहिए। वो सीखा लोगों ने, मैकेनिकल वेंटिलेशन सीखा, सिमुलेशन ऑन द स्पॉट कैसे डील किया जाए ऑपरेशन थिएटर के अंदर, वो सीखा लोगों ने। एनेस्थीसिया कैसे देते हैं और कैसे कैसे क्या चीज़ें दी जाती हैं, वो सीखा हमारे